अब इसकी एप्लीकेशन के अंदर देखो क्या है, हमने लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन किया हुआ है, एक पुली है, दो मासेस हैं और ये नीचे और ये ऊपर आ रहा है, इसकी एक्सलेशन ए है और इसकी एक्सलेशन ए है, तो इसका वेट क्या है 3g, इसका वेट क्या है 2g। तो अगर मैं कहूँ ए और टी निकालो आपको कि निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको पुली का भी मास दूंगा और लॉज ऑफ मोशन में हमने पुली का मास नहीं लिया था, मासलेस पुली थी, याद करो। पुली मानी जाती है इज अ डिस्क, पुली एक डिस्क होती है और पुली जब घूमेगी अपनी अपनी एक्सिस पर खड़ी खड़ी, तो एक्सिस कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से, ठीक। क्लियर है यहां तक? पहला रूल, जब पुली का मास लेना है, अब इसमें कुल मिला के तीन मासेज हैं, ये दो मासेज में टेंशन अलग है, अगले दो मासेज चेंज हो गए तो टेंशन अलग है, तो जबकि लॉज ऑफ मोशन में इसका मास नहीं था तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में क्या रहती थी, एग्जैक्टली सेम टेंशन सेम रहती थी, इसके अंदर टेंशन की वैल्यू डिफर होगी, रूल नंबर वन। तो यहां पर टेंशन T1 T1, यहां पर टेंशन T2 T2, कब, जब पुली का मास लेना है, जब नहीं लेना फिर टेंशन TNT TNT। पहला रूल क्लियर है? अब आप सिंपल लॉज ऑफ मोशन लगाएं, ये नीचे आ रहा है तो 3g माइनस T2 इज 3a, फर्स्ट इक्वेशन, ये ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस 2g इज 2 into a, सेकेंड इक्वेशन। कोई डाउट है इसमें? दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब जब ये दो इक्वेशन आ गई, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वेरिएबल्स हैं तीन, एक है T1, एक है T2, एक है a, और इक्वेशन भी कितनी चाहिए, तीन, दो से बात नहीं बनेगी। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, पुली से। पुली क्या कर रही है, घूम रही है, जब कोई बॉडी घूमती है तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करता है, टॉर्क। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पुली का, तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम जब आपने बनाया, इसका एक्सिस के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो एक फोर्स T2 है, एक फोर्स T1 है, तो ये T2 फोर्स कितना टॉर्क लगाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, कितना, आर इंटू T2, और T1 टॉर्क कितना टॉर्क लगाएगी, T1 फोर्स, आर इंटू T1, आर इंटू T2 टॉर्क चाहेगी कि बॉडी क्लॉकवाइज घूमे, और आर इंटू T1 टॉर्क चाहेगा कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन हमें पता है कि ये मास भारी है तो बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, इसका मतलब आर T2 टॉर्क आर T1 टॉर्क से बड़ा होगा, तो नेट टॉर्क क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जैसे नेट फोर्स निकलती थी इसमें नेट टॉर्क निकलता है, तो नेट टॉर्क क्या है, एम इंटू ए नहीं, आई इंटू एल्फा, जैसे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें नेट टॉर्क इज आई इनटू अल्फा। क्या पॉइंट क्लियर है? अब इसके अंदर मुझे ये पता है कि जब ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है राइट साइड से, तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ए एक्सेलरेशन इसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये याद रहे। पुली के लिए ए एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल है। तो पुली के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन है वो पुली के लिए टेंजेंट है, इज आर अल्फा। तो यहां से अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, ए बाय आर। तो यहां से पुली का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो आर से आर, आर से आर कैंसिल, तो ये इक्वेशन मास ऑफ पुली आपको गिवन है, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से आपके पास क्या आएगा, T1 T2 और ए आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में आ रही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये लो करो जरा क्वेश्चन, सपोज आपके पास एक पुली है जिसका मास 10 kg है, जिसका रेडियस 1 meter है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है जो कि 2 kg का ब्लॉक है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सलेशन ऑफ ए एंड ए, ऐसे। तो आपको बताना है T1, T2 और A क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एंड पुली इज ऑलवेज टेकन एज अ डिस्क। इक्वेशन बना के देखो,
देखो पहली क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगी, पहली क्वेश्चन ये क्या है 5G, ये क्या है 2G, टेंशन यहाँ पर T1 एंड T1, टेंशन यहाँ पर T2 एंड T2, टेंशन T2 एंड T2 ऐसे। तो ये ब्लॉक नीचे जा रहे हैं, तो 5G माइनस T2 इज इक्वल टू 5 into A, इक्वेशन नंबर 1। ये ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस 2G इज 2 into A, इक्वेशन नंबर 2, ठीक 1 and 2। अब ये पुली है, ये जो पुली है इसका फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर टेंशन T2 है, यहाँ पर टेंशन T1 है और रेडियस आपको इसका पता ही है कितना है। तो इस केस में 5 kg का मास बड़ा है तो T2 का टॉर्क बड़ा होगा, T2 into R माइनस T1 into R, नेट टॉर्क इज आई टाइम्स एल्फा। तो यहाँ से R क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बना T2 माइनस T1। I का फॉर्मूला डिस्क का क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय R, R से R कैंसल, R से R कैंसल, तो T2 माइनस T1 क्या है, हाफ मास ऑफ डिस्क 10 kg है इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को सॉल्व करके T1 T2 A कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आ रहा है रूल क्या लगेगा? ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? अच्छा, मिलता जुलता क्वेश्चन फिर देखो। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, एक लाइन प्लेन है 30 डिग्री 60 डिग्री 2 kg 3 kg, सिंपल है पर मासलेस पुली के साथ देखा है। अगर पुली का मास लेना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, पुली के मास में टेंशन T1 T1 T2 T2, तो इसको कौन नीचे लेके आ रहा है 3G sin 30 और यहाँ पर कौन लेके आ रहा है 2G sin 60। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, 3G sin 30 माइनस T1 इज 3A और इसकी क्वेश्चन T2 माइनस 2G sin 60 इज 2A। ये दो ही क्वेश्चंस को तो लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी हमने किया ही हुआ है, तीसरी क्वेश्चन और चाहिए क्योंकि 3 वेरिएबल हैं और तीसरी क्वेश्चन है पुली की। अब पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में T1 T2 है और पुली कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो T1 का टॉर्क बड़ा होगा, T2 का छोटा होगा, तो कितना होगा T1 into R माइनस T2 into R, तो T1 into R माइनस T2 into R इक्वल टू आई अल्फा। आई पुली का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, और अल्फा क्या होता है ए बाय आर, आर से आर, आर से आर कैंसिल, तो एक और इक्वेशन, फिर एम इज द मास ऑफ द पुली जो कि पुट कर लेना, तो यहाँ से तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा। मतलब 80% से 90% क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का, बस 10% जो रोटेशनल मोशन का टॉर्क करना पड़ेगा, बाकी सेम है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ये टॉर्क की एप्लीकेशन चलती है। ठीक, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करता है और ये आपको बहुत ऑब्जेक्टिव बुक्स में दिखेगा भी, इसके कई पार्ट्स कई क्वेश्चन के बराबर है ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे कवर करेगा। इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे आपके पास एक रॉड है और दो स्ट्रिंग्स हैं, दो रस्सियाँ हैं, और ये आपने क्या किया, आपने इसको काट दिया, काटते ये रॉड नीचे रोटेट करेगी और हमने किया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन, टॉर्क के अंदर एक्सिस कहां से पास करेगा, ओ से, ये किया था। पहला क्वेश्चन, कितना टॉर्क लगेगा जो इसको घुमाएगा, टॉर्क लगाएगा कौन, फोर्स क्या है, एमजी, एमजी फोर्स कहां लगेगी, सेंटर ऑफ मास पे, तो दूरी कितनी है L/2, तो टॉर्क क्या लगेगा इनिशियली, एमजी इंटू L/2, कोई डाउट इसमें, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, एमजी इंटू L/2, कोई डाउट, ठीक है। पहली चीज,
अब टॉर्क के बाद वो पूछेगा एल्फा कितना है बताओ रॉड का, घूमने का एल्फा कितना है, एंगुलर एक्सलेशन कितनी है। अब टॉर्क का ये फॉर्मूला हमें आता है, पर टॉर्क का एक और फॉर्मूला हमें आता है कितना आई एल्फा, जिसमें एल्फा इंक्लूड होता है। तो दोनों फॉर्मूलाज आ गए, दोनों को इक्वेट कर लिया। तो एम जी इंटू एल बाई टू हमने निकाल ही लिया टॉर्क आर इंटू एफ के फॉर्मूले से, और आई एल्फा हमें पता है। अब हमने ये भी किया था, अगर एक्सिस ये है कोना है, ये वाला एक्सिस है रॉड का और ये तो फ्री टू मूव है नीचे, तो इस एक्सिस ये जो एक्सिस है ये रॉड के लिए टेंजेंट की तरह काम करता है, और रॉड का टेंजेंट पे आई क्या होता है एम एल स्क्वेयर बाय थ्री। तो यहां पर आई की जगह क्या पुट करेंगे एम एल स्क्वेयर बाय थ्री, एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा एल्फा। तो पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड टॉर्क, पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन आएगा फाइंड एल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, में आई को क्या पुट करेंगे एम एल स्क्वेयर बाय थ्री, एल्फा भी आ गया। ठीक है, दो। तीसरा क्वेश्चन आएगा फाइंड पाथ, सेंटर ऑफ मास, जब ये रॉड घूमती हुई नीचे आएगी सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा, सर्कल, पैराबोला कि स्ट्रेट लाइन, पैराबोला स्ट्रेट लाइन कि सर्कल। ये रॉड जब नीचे आएगी तो सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, घुमाए रॉड को, अपने पेन को घुमा के देख लो प्लीज एक बार, सेंटर ऑफ मास जब ऐसे आएगा आपको फील नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ मास ऐसे जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे जाएगा, तुम्हें ऐसा फील तो नहीं हो रहा कहीं ये सर्कल की तरह जा रहा है, सर्कल है। पैराबोला कैसे होगा, रॉड किस में घूम रही है ना, सर्कल। सोचो तुम क्लास नहीं हो, तुम रॉड हो, एक मोटी रॉड हो, चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ, जब घुमाऊंगा तो तुम उठ के पैराबोला कैसे कवर करोगे, जब पूरी रॉड सर्कल है तुम भी सर्कल, तुम भी सर्कल, तुम भी सर्कल, तुम भी तो सर्कल ही जाओगे, तो सारे पार्टिकल किस में घूमेंगे ना, सर्कल। वो अलग बात है कोई छोटा सर्कल, कोई बड़ा सर्कल, कोई बहुत बड़ा सर्कल। तो सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा, याद रखना सर्कल, कोई डाउट इसमें, सेंटर ऑफ मास का पाथ सर्कल। तो बताओ सेंटर ऑफ मास अगर सर्कल में घूमेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अगर सर्कल में घूमेगा तो रेडियस क्या होगा कितना, बोलो एल बाई टू, कितने लोग एग्री करते हैं एल बाई टू, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास कितने सर्कल में घूमेगा इन रेडियस ऑफ एल बाई टू, तो ये भी क्लियर है। अब जैसे स्ट्रिंग को हमने काटा, सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूमेगा, जैसे ये निकला तो इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जो होगी, तो ए जी कैसे होगी, नहीं ए इज इक्वल टू आर एल्फा, सर्कल में घूमेगा तो ए इज इक्वल टू आर एल्फा लगाओ, एल्फा भी तो है, ये फ्री फॉल थोड़ी ना हो रहा नीचे, घूम रहा है ये, ऐसे नहीं छोड़ा इसे हमने, तो ए इज इक्वल टू आर एल्फा। अब एल्फा हमने निकाला हुआ है सेंटर ऑफ मास का क्या, थ्री जी बाई टूएल, तो एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास की क्या आएगी, थ्री जी बाई फोर। क्लियर है यहां तक, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या आएगी, थ्री जी बाई फोर। अगला क्वेश्चन सुनो, ये जो आखिरी पार्टिकल है ये भी किसमें घूमेगा, ये ना सर्कल, लेकिन ये सर्कल का रेडियस क्या होगा, एल। तो क्वेश्चन पूछेगा आखिरी पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगी, ए इज इक्वल टू आर एल्फा, लेकिन इसमें आर क्या पुट करेंगे, एल बाई टू नहीं एल, तो एल्फा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये लो थ्री जी बाई टू। तो पार्ट्स देख रहे हो कैसे बनेंगे, मतलब कुछ भी पूछ सकता है वो, इसमें खुद अपने मन से क्वेश्चन बनाए जा रहा हूँ साथ साथ, पर समझ में आ रहा है, मैं ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, फिर वो आखिरी पार्ट पूछेगा फाइंड टेंशन टी, फाइंड टेंशन टी, देखो टेंशन निकालने का काम लॉज ऑफ मोशन का काम है। लॉज ऑफ मोशन में आप सिंपली ये काम करें, जब हम ट्रांसलेशन मोशन लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन लेते हैं, तो हम शेप नहीं लेते, रॉड हो पॉइंट मास में कोई मतलब नहीं है, हम ऐसा लेते हैं कि रॉड की जगह मान लो ये सेंटर ऑफ मास है जिसका मास क्या है एम, बस शेप छोड़ो बस एम ले लिया, एम नीचे गिरता है अपने वेट की वजह से एम जी, और इस एम के ऊपर की तरफ टेंशन क्या लगती है टी, क्योंकि इस बॉडी पे एक ही तो फोर्स लगी है टी, हाँ शेप नहीं दिखा रहा हूं पॉइंट दिखा रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, फोर्स थोड़ा हटा रहा हूं, टी और एम जी दो फोर्सेस है रॉड के ऊपर, और ये रॉड कहाँ आ रही है नीचे विद एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या है, एम जी माइनस टी इज एम इन टू ए ऑफ सेंटर ऑफ मास।
अब ये सेंटर ऑफ मास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगी, टेंशन टी। तो यहां से आप एम जी माइनस टी इज एम ए, तो ए टेंशन की वैल्यू आएगी, ए सेंटर ऑफ मास हम निकाल चुके हैं। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को किया जा रहा है।